यहाँ के विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी कभी यहाँ पे आते नहीं और देख रेख नहीं करते हैं? इधर के कहाँ नेता है ऐसे, हमें बस वोट के टाइम पे आते हैं। प्रकाश शर्मा का हमें वोट नहीं दिया, हम क्यों करें तुम्हारा काम? हाँ, पानी से तो भैया दो तीन महीने से परेशान है। दो तीन महीने से? और बताइए क्या परेशानी है? पानी साफ नहीं आता? बिल्कुल साफ नहीं आया, उस कारण पानी टूटा हुआ परास का, नाली का पानी पीना पड़ रहा है। कभी काउ टोटी में आ जाते हैं, माथे भर लाते हैं, कभी गाड़ी मंगा लेते हैं, गाड़ी से पी लेते हैं, और कैसे करते हैं, कर रहे हैं अपना गुजारा। कितनी बार कंप्लेन की है आप सब लोगों ने अपने विधायक के पास, यहाँ के नगर पार्षद के पास? थक जाए बेटा, जा जा के थक जाए, पांच बारी से ऊपर हो गए, अभी तो लोग कोई सुनाए नहीं है। मैं हूँ मोहम्मदन, अगर इसमें हम कोई एक्शन उठाएंगे जी तो फौरन हम आतंकवादी कहलाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, स्वागत है आपका चुनावी यात्रा में, मैं शमी रंजन। दरअसल अब हम इस वक्त विश्वास नगर में है, जहां पर पानी की कई दिनों से समस्या है। जिस जगह पर अभी मौजूद है, यह इलाका जे कैंप कहलाता है, और यहां पे जितने भी बस्ती वाले लोग हैं पानी से बहुत ज़्यादा पीड़ित और प्रताड़ित हैं। इन्होंने कई बार सरकार से अपनी दरख्वास्त की, कंप्लेन की, मगर सुनवाई नहीं हुई। यहां पे लोग बहुत बहुत बुरी तरीके से रह रहे हैं, पानी की इतनी किल्लत होने के बावजूद ये अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं। जो पानी की समस्या यहाँ बता रहे हैं लोग, क्या पानी की समस्या और कितना गंदा पानी? टैप लाइन की मैंने वादा कर रखा, तीन महीने दो महीने हो गए धक्के खाते, अभी तक तो गए नहीं है ना, खुदवाई करेंगे और टैप लाइन डलवाएंगे। कहीं से बच्चे भर भर के लावे हैं, वहाँ लाइन पड़ी भी पल्ली तरफ, वहाँ से बच्चे भर के लावे हैं और बोतल आने पानी ले। यहाँ के विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी कभी यहाँ पे आते नहीं और देख रेख नहीं करते हैं? इधर के कहाँ नेता है ऐसे, हमें बस वोट के टाइम पे आते हैं। ओम प्रकाश शर्मा के हमें वोट नहीं दिया, हम क्यों करें तुम्हारा काम? हमारा हम नहीं करेंगे, और उनके अंडर में है ये सारा काम। ये देख रहे हो आप, पानी देखो हमारा किस तरीके से कीचड़ का पानी है। ये पानी पियेंगे हम? तीन महीने होगा उनसे सुनवाई करवाते, हर महीने आज कल अभी खुदाई होगी, अभी बजट पास होगा, अभी तुम्हारी सुनवाई हो गई, तीन महीने से अभी कोई ही सुनवाई नहीं है। या 26 तारीख हो गई, अभी तक कुछ नहीं पता। तो आपके पीछे जो ये नाला है, और नाला खुला हुआ है, तो यहाँ पे बच्चे गिरते नहीं है, परेशान नहीं होते? कितनी दफा बच्चे यहाँ पे गिर चुके हैं, कितनी दफा लोगों को बोल चुके हैं, कोई सुनने को राजी नहीं, कोई देखने आने को राजी नहीं है, कोई आता भी नहीं है। कब से ऐसे टूटा पड़ा है, कब से खुला है नाला? करीबन दो महीना होगा। दो महीने से, और यहाँ पे बच्चे बहुत है, मैं देख पा रहा हूँ, सब इसमें गिर जाते हैं, गाड़ी वाले आके गिर जाते हैं इसमें, गाड़ी वाले बाइक वाले आके गिर जाते हैं, कई बार आते बेध्याने में इधर को चढ़ा देते हैं, ये लगे पड़े पत्थर इनके टूटे हुए। जो पानी की समस्या यहाँ पे लोग बता रहे हैं, क्या आप भी उसी परेशानी से जूझ रहे हैं? हाँ, पानी से तो भैया दो तीन महीने से परेशान है। दो तीन महीने से? और बताइए क्या परेशानी है? पानी साफ नहीं आता? बिल्कुल साफ नहीं आया, उस कारण पानी टूटा हुआ परास का, नाली का पानी पीना पड़ रहा है, और पानी की इतनी दिक्कत आ रही है, जाकर कोई ठीक नहीं। बात बताइए, जो पानी की जब समस्या होती है, यहाँ पे पानी तो बहुत ज्यादा गंदा आ रहा है। हाँ, कीचड़ आ रही है, निकाला सवेरे को बिल्कुल कीचड़ भर भर के आते, दो एक आध बाल्टी को फेंक देते हैं बस, तो जब, पानी आता ही तो नहीं जब है। गंदा पानी आता है तो इसमें बीमारियां भी बहुत फैलती होंगी। अरे भैया पीते ही ना, बीमारी का नहाने को, कपड़ा धोने को, सबसे दिक्कत खड़ी होती है। तो पीने का पानी आप लोग कहाँ से लाते हैं, कैसे पीते हैं फिर पानी? कभी काउ टोटी में आ जाते हैं, माथे भर लाते हैं, कभी गाड़ी मंगा लेते हैं, गाड़ी से पी लेते हैं, और कैसे करते हैं, कर रहे हैं अपना गुजारो। पानी खरीदना भी पड़ता है? खरीदते हैं बोतल, हाँ। नाली का पाइप, ये नाली का पाइप वाला पानी, ये इसमें आता पीने वाला पानी, तीन महीने से इसमें आना भी पानी बंद हो गया। इसमें जो पानी कितना, तीन महीने से ऊपर हो गए, अभी तो लोग पानी नहीं आए। हम लोग बाहर से ढोक लेकर आते हैं, किसी और के टैंकी से ढोक के लेकर आते हैं, मतलब दूसरे के यहाँ से पानी मांग कर लाते हैं। और पीने का पानी का कैसे आप लोग अपनी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करते हैं? उधर से लेकर आते हैं, दूसरे तीसरे के टैंकी लेकर आते हैं, इस गली में किसी के यहाँ पानी नहीं आ रहा है, इस गली में। और ये तीन चार महीने से ये समस्या? हाँ, ये दो चार महीना हो गया है समस्या को, अभी तो लोग हल नहीं हुआ है समस्या। कितनी बार कंप्लेन की है आप सब लोगों ने अपने विधायक के पास, यहाँ के नगर पार्षद के पास? थक जाए बेटा, जा जा के थक जाए, पांच बारी से ऊपर हो गए, अभी तो लोग कोई सुनाए नहीं है। साफ सफाई करने वाले आते हैं क्या? हाँ, आता है ये, कभी हफ्ते में दो तीन बार आता तो निकाल के जमा करके फेंक जाता है, क्या तो ये कह देता तुम मेरा कोई काम नहीं है इसमें। तो जब वो पानी इस नाले को साफ करते हैं, जो भी कूड़ा कचरा यहीं रख देते हैं? यहीं रख देता है, कहता दो दिन तीन दिन बाद सूखेगा जब लेके जाऊंगा, अभी ये चार दिन से कचरा पड़ा, अभी बोलता उसको तो चढ़ बैठता, बोलते वो भी डर लगे। विश्वास नगर के
यहाँ पे कितने बच्चे हैं लगभग और कितनी बस्ती में यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? यहाँ करीब भाई ये है 450 झुग्गी। 450 झुग्गी है यहाँ। हाँ, 450 झुग्गी में कितनी आदमी कौन पेमेंट करता है? कोई भी नहीं कर पाएगा। रही ये पानी की समस्या, ये 4 महीने से पानी जो है नहीं आ रहा है। हम लोग कंप्लेंट भी कर रहे हैं, उसको कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग और हर नेता जो है इलेक्शन के समय तो बाबूजी वोट हमें दे देना, इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो जनता गया खंता में, अपना उल्लू सीधा हो गई दुनिया भाड़ में जाए। तो एक बात बताइए, अभी जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है कुछ ही महीनों में, तो इस पर जो यहाँ के विधायक है आपका, इनसे क्या है कि आप इस बार भी फिर से इन्हीं को जिताना चाहते हैं या फिर इस बार पूरे बदलाव के मूड में है? ये चीज कोई नहीं बताएगा। हम वोट देने जा रहे हैं, किसको दे रहे हैं ये हम क्यों बताएं? बिल्कुल सही बात है, ये आपका बहुत ये आपका अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपको सरकार की तरफ से ये दी गई है, आप इसको बिल्कुल नहीं बताए। लेकिन जो यहाँ पे जो परेशानी देखी जा रही है ये चीज नहीं बता सकते हैं, क्योंकि परेशानी जो हल करेगा उसको हम वोट देंगे। ये हुई बात, जो परेशानी हमारी सुनेगा, जो हमें जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़ा होगा। मैं पानी के जो समस्या है, छोटे छोटे बच्चे जो है कि इतना बड़ा बड़ा बच्चे दूसरी जगह से पानी भर कर लाता है, दो दो मंजिल पानी चढ़ाया जाता है नहाने धोने के लिए। ये कीचड़ वाला पानी जो है, जो भी कभी धोखे में आ भी गया वो पानी से बदबू आता है। जो कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ के, एक बार इसके बारे में बताइए। बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसी है? अभी देखो सरकारी स्कूल की व्यवस्था ये है कि बच्चों को शिक्षा तो इस समय ठीक है, बढ़िया बढ़िया है, और उनकी जो टीचर लोग है वो पढ़ा भी रहा है, अच्छा शिक्षा है, इस चीज़ में नहीं कर रहे हैं, शिक्षा सही सुधरा है और स्कूल के साफ सुथरा भी है, साफ सफाई अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पढ़ाई पे बच्चों के ध्यान दिया जा रहा है। मगर समस्या जो केवल हम देख पा रहे हैं वो हमेशा आए दिन राजधानी दिल्ली में जो हम समस्या देखते हैं, नाले पानी की समस्या, शेवर की समस्या, गंदे पानी की समस्या। दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में कई लोग ऐसे हैं जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और किसी तरीके से अपना गुजर बसर करते हैं। वैसे में सरकार का दावा ये हमेशा रहता है चुनाव से पहले कि हम आपको अच्छी व्यवस्था देंगे, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, सभी तरीके की व्यवस्था आपके घर घर पहुंचाई जाएगी, चाहे वो नल दल जल दल योजना हो या फिर शिक्षा व्यवस्था की हो या फिर जो जहां झुग्गी वही मकान, इन सारे वादे किए गए थे। मगर हम अक्सर झलको दिल्ली चैनल के माध्यम से आपको हमेशा ये चीज़ें दिखाते रहते हैं। सरकार कभी कभी जो अपनी नाकामी, सरकार की नाकामी को आपको दर्शाते रहते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपको ऐसे विधानसभा चुनाव यात्रा में ले चलेंगे। फिलहाल कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन, धन्यवाद।